और अब बात उत्तर प्रदेश के बहराइच की, क्योंकि बीती रात भेड़िये ने फिर किया है हमला। बड़ी खबर आपको बहराइच से बता रहे हैं, जहां भेड़िये ने 45 साल की मुकीमुन नाम की महिला पर हमला किया है। घर के बरामदे में ये महिला सो रही थी, सोते वक्त भेड़िये ने हमला किया। महिला के चिल्लाने के बाद भेड़िया वहां से भाग गया। महसी में आदमखोर भेड़िये की दहशत लगातार कायम है। घायल महिला सीएससी महसी में उसका इलाज चल रहा है। हरदी थाना क्षेत्र के सम्मनपुरवा गांव का ये पूरा मामला है। यही वो महिला है जो बीती रात अपने घर में सो रही थी और अचानक से भेड़िये ने उसको अपना शिकार बनाने की कोशिश की। महिला ने चिल्लाया, लोगों की भीड़ आई तो भेड़िया वहां से भाग निकला। हालांकि तुरंत इसको सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीती रात एक बार फिर से भेड़िये का आतंक देखने को मिला। बहसी इलाके में लगातार भेड़िये के आतंक से लोगों के दिल में डर समा गया। हालांकि लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कल ऐसे भरसक उम्मीद थी, जिस तरह से कैमरे में जो छठा भेड़िया है वो नजर आया था और वहां पर पुलिस की गश्त, वन विभाग की टीम वहां पर थी, ऐसा लग रहा था मानो, क्योंकि जो दूसरी तस्वीर है हम उसी दूसरी तस्वीर के बारे में बता रहे हैं, कल ऐसा मानो लग रहा था कि जो गन्ने के खेत अगल बगल हैं वहां पे भेड़िया छुप सकता है, क्योंकि वहीं के आसपास कहीं पंजे के निशान पाए गए थे। लेकिन नहीं, पिंजरे में कैद नहीं हुआ, लेकिन हाँ, एक महिला को शिकार जरूर बना लिया भेड़िये ने। हम बच्चे लेके गोद में लेटे थे, लेट नहीं रहे, वाला आदमी जलाया था, बस हमको जैसे आवा तैसे नटे दाबा, तैसे हम चिल्ला के भाग रोने लगे, तब सबको दौड़े, तब वो भेड़िया बुमा जंधरी में पिल गए, पीछे मकई लगी है। भेड़िया ही था? भेड़िया थे जी। कुत्ता उत्ता तो नहीं था? नहीं जी, कुत्ता उत्ता नहीं, भेड़िया।